सीधी बात है। दर्शक साथियों, हमारे साथ में निनाना गांव में हमारी काकी ताई बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं और पीपल का पेड़ है, नीचे ताश के पत्ते भी बिखरे पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणवी संस्कृति में कोई ताश खेलती होगी महिला, क्योंकि यहाँ बैठी आराम कर रही है। ताई राम राम। राम राम भाई। आज इलेक्शन का दौर है, बड़ी भीड़ मच रही है, चारों तरफ धक्कम धक्का, चल पो, कोई लाउड स्पीकर किसी का बजा रहा है, कोई किसी का बजा रहा है, गांव में किस प्रकार का माहौल है, क्या कहना चाहोगे? गांव का माहौल तो भाई यो है, जब हमारे गांव का बेटा उठ रहा था, देख गांव की गेलिया है, ठीक है ना, अब तक गांव की देनी चाहिए। गांव का बेटा विकास नहीं रहा है? हाँ, विकास नहीं रहा है। तो क्या गांव पूरा विकास नहीं रहा के साथ है? हाँ, पूरा। हाँ, आता ही क्या कहोगे? मां सारा गांव गेल से भाई। सारा गांव गेल है। हाँ। जो वादा कराया था विकास नेहरा से पूरे गांव को, क्या वो सफल हो पाएंगे? जो वादा कराया था विकास नेहरा से, गांव ने कहा था कि अगर आप टिकट लेके आओगे तो हम आपके साथ हैं, क्या खरा उतर पाएगा भाई? देख भाई, बात विश्वास करना पड़े है। अच्छा, ठीक है ना, उतरेगा तो उसकी मर्जी, ना उतरेगा तो भी उसकी मर्जी। ये जो पहले बने लिए वो कौन सा खरे उतर रहे हैं? कोई नहीं उतर रहा। नहीं, गांव से मुख्यमंत्री रहा मनोहर लाल खट्टर, कितने विकास कार्य करवाए? ना करे मारा था। अच्छा, कुछ नहीं कर रहा क्या मारा? हम तो पानी बिना दुखी हो, पानी बिना आज भी दुख सामने। आता ही अपने क्या विचार है इस बारे में? अबे भाई, ये विचार से काल हो रही सौ जमा पांग पात बाबे जमा काल हो रही सा टूटे नल भी नहीं दबुआ रखे। पीने का पानी की सुविधा नहीं है ना? पीने के पानी किन क्या है कि नहीं, मारा सात दिन में पानी आवा है, अन्य बता दे छह दिन क्या मैं आता ही बताओ, पीने पीने का नहीं आता, उनकी भी मुश्किल है पानी में अपना। अपना घर वहाँ बॉर्डर ने खराब हो गया है। ताई, पीने का पानी अगर नहीं होगा तो पेट में पथरी, पेट का रोग से ही सारे रोग जन्म ले हुए, तो पानी क्या सिर पर लेना पड़े दूर तक ही देते हैं ना? खेता में तो आदमी ले आवा, ट्रैक्टर में ले आवा, कदे किसी बगिया अंदर के ले आवा, ठीक है, कदे किसी की मोटरसाइकिल बैठ कर जा, जिसका साधन नहीं है उनकी गणी बिरान माटी है। तो न्यू बताता है, अगर इस चीज का पानी का समाधान किस प्रकार तो हो सके, अगर देखने वाले मारे कोई नेता देखे या कोई और देखे तो समाधान का कोई रास्ता है भाई? समाधान का तो यही बताओ, कहते ट्यूबवेल लगवाओ, कह समरसीबल लगवाओ, ठीक है, गांव में डिग्गी जरूर है लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं कर रखी, सारा गंद उस डिग्गी में आवा है और वो पानी फिर छोड़ने हैं, और मजबूरी में नहाना ही पड़ा, धोना भी पड़ा और पीना पड़ा है, जब कोई साधन नहीं है तो खाज लग जाए है। हाँ, खाज लग जाए है कती। अरे जो इसका पानी उतरा ना, यू घना पारिस का पानी हो जाए, दवाइया का पानी वो भी डिग्गी में चलता कर दे है। तो जैसा आप देख रहे हो दर्शक साथियों, अगर दवाइया पानी खेतों पानी तालाब में होगा तो पशु पियोगे तो क्यों इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं होगी? पशु के थ्रू हम दूध पीवा तो हमारे शरीर में भी आओगी अंदर। हाँ, वो भी होगी, पशुआ का भी घुमड़ी सी हो जाए भाई, इसे जोड़ के पानी में नहावे हैं, पीवे हैं, क्यों जोड़ की भी कोई निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गांव का बेटा विकास नहीं रह गया साथ, आप पूरे तरीके से? हाँ, पूरे तरीके से। हाँ ताई, विकास नहीं रह गया, लेके क्या कहोगे भाई? क्या कहेंगे, ये बात समारी तो है? एक बात समारते है, यो करेगा हमारा जो कुछ करेगा बिल्कुल। दर्शक साथियों, आपने देख लिया भाई, ये ताई बैठी है और निनाना गांव से है, ये कहे कि गांव का बेटा है विकास ने रहा और गांव ने वादा कराया था कि आप टिकट लेके आओ, गांव आपके साथ है, लेकिन गांव के अंदर समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, जो मुंह बाहे खड़ी है, जैसे पीने के पानी की है, गलियों की है, हाल फिलहाल सीवरेज को लेकर भी शिकायतें हैं कि सीवरेज की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो रही। हमारे साथ में एक बुजुर्ग और खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कौन सा गांव है? निंदाना गांव। ताऊ, पीने के पानी की समस्या तो टायर ने बता दी, और किस प्रकार की समस्या है? समस्या तो घनी है, गाड़ा की भी है, और मारे तो खट्टर ने किमे करया तो कोनी, किला बंदी में काम का रौला करवा दिया, कोई ऐसा किताब नहीं छोड़ा। अच्छा, किला बंदी जो था वो अब तक नुका नहीं पड़िया है? नुका नहीं पड़िया है, तो लागे कि मैं समाधान हो जाएगा, मानस मुरान के काम हो रहे। अच्छा, फिर जुआड़े लिखवा मेरे दौरे। हाँ, तो क्या कहना चाह है, क्या कहना भाई? किला बंदी में मारे सारे तो मानस मरण लाग रहे हैं। अच्छा, अरे खट्टर ने नाश करवा दिया हमारा गाँव का, अरे हम तो अपना विकास भाई ने बनावांगे, तो पूरा गांव एकजुट है, विकास एकजुट हो रहा है हमारा गांव सारा। तो दर्शक साथियों, गांव का मेन बस अड्डा जहां पर हम खड़े हैं, और लगातार जो है ना राजनीतिक पार्टियां इसी रास्ते से होके गुजर रही हैं, तो गांव के जो लोग यहां पर बैठे हैं वो समस्याओं से अवगत भी करा रहे हैं लगातार, क्योंकि बड़ी भारी समस्या है पीने का पानी,
और पीने का पानी अगर नहीं होगा तो जीवन संभावित नहीं है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वच्छ पानी होना बहुत जरूरी है। तो दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।